आगामी 1 से 6 मार्च तक दिगरस तहसील में सख्त लॉकडाउन लगाने के लिए प्रयासरत तहसील कार्यालय और कोरोना संनियंत्रण समिति की पहल को दिगरस के सभी व्यापारी संगठन ने विरोध दर्शाया है। विभिन्न व्यापारी संगठनों के पदाधिकारियों ने शनिवार को इस संदर्भ में तहसीलदार राजेश वजीरे को ज्ञापन सौंप कर प्रस्तावित लॉकडाउन को लेकर नाराजगी जताई है। दिगरस तहसील में कोरोना संक्रमण का दिन ब दिन बढ़ता ग्राफ चिंता का सबब बनता जा रहा है। ऐसे में रोजाना औसतन 50 पॉजिटिव मरीजों के इजाफे से तहसील का स्वास्थ्य डेंजर जोन की निशानी को पार करता नजर आ रहा है। शायद यही वजह है कि शुक्रवार को संपन्न हुई कोरोना संनियंत्रण समिति दिगरस की सभा में आगामी 1 से 6 मार्च तक दिगरस तहसील में सख्त लॉकडाउन शुरू करने का निर्णय लिया गया। इस संदर्भ में तहसीलदार राजेश वजीरे ने जिलाधिकारी को विभागीय अधिकारी पुसित कार्यालय के माध्यम से ज्ञापन सौंप कर उपरोक्त लॉकडाउन शुरू करने की अनुमति मांगी है, जिसमें जीवनावश्यक वस्तुओं की सेवाओं सहित दवाखाने, मेडिकल स्टोर 24/7 शुरू रखने और अन्य सेवाएं जैसे किराना, दूध, गैस सिलेंडर आदि सभी आवश्यक सेवा और सुविधाओं के लिए सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। हालांकि खबर लिखने तक जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा इस ज्ञापन पर न मुहर लगी और न ही कथित लॉकडाउन शुरू करने के संदर्भ में कोई निर्णय लिया गया था। बहरहाल इस बीच शनिवार को शहर के सभी व्यापारी संगठनों ने इकट्ठा आते हुए इस कथित लॉकडाउन का पुरजोर विरोध किया। शनिवार को इस संदर्भ के तहसील कार्यालय पहुंचकर तहसीलदार राजेश वजीरों को ज्ञापन भी सौंपा गया। इस दौरान संगठन के पदाधिकारियों ने ज्ञापन में दर्ज लॉकडाउन को लेकर चिंता और आशंकाओं को दोहराया। तहसीलदार साहबानी आंशिक लॉकडाउन बाबत कलेक्टर साहबांकडे प्रस्ताव पाठवलेला आहे। यामध्ये जीवनावश्यक वस्तूंना ची दुकाने चालू राहतील आणि बाकी सर्व व्यापार बाजारपेठ बंद राहील। या प्रकारचं 1 ते 6 मार्चपर्यंत हा प्रस्ताव आहे। त्याचा कंप्लीट आम्ही संपूर्ण व्यापारी संघटनेतर्फे विरोध करण्यासाठी या तहसील कार्यालयाला आलेलो आहे। आत्ता आम्ही त्यांना निवेदन दिलं साहेबांना। हा लॉकडाऊन हा पर्याय कोरोनाला राहूच शकत नाही अशी आमची व्यापारी वर्गाची मागणी आहे। जर लॉकडाऊन हा इलाजच नाही आहे, त्याला तुम्हाला जे काय करायचं असेल, मास्क वापरण्याची सक्ती करा, सॅनिटायझेशन करा, स्वच्छता ठेवा आणि दवाखाने सुसज्ज ठेवा, हा पर्याय राहू शकतो। प्रत्येक वेळेस व्यापाऱ्यांना वेठीस धरणे आणि त्यांची कंबरमोड करणे हा पूर्ण देशाचा कणा व्यापारी संघटना असल्यामुळं या व्यापारी संघटनेला नेहमी नेहमी त्रास देणे योग्य नाही। लॉकडाऊन हा उपाय नसून आपण सर्वांनी सॅनिटायझर, मास्क व सोशल डिस्टन्सिंगचा वापर करावा हे एक पर्याय आहे। किंवा दिग्रसच्या सर्व चारही बाजूवर आपण यांनी सीलबंद नाकाबंदी करून आवक जावक करणारे सर्वांची तिथंच जागेवर टेस्ट करून तिथंच बंधन घालणे हा एक उपाय आहे। सध्या परिस्थितीमध्ये मार्केट सुरळीत झाला होता, त्यामध्ये लॉकडाऊन लावल्यानंतर जे व्यापाऱ्यांचं जे नुकसान होणार आहे ते कधी भरून निघणार नाही। त्यामुळे आमची एक विनंती आहे की लॉकडाऊन हा पर्याय नसून आपण दिग्रस शहरामध्ये स्वच्छतेवर व सोशल डिस्टन्सिंगवर लक्ष ठेवावे हेच आम्ही जाहीर विनंती करतो। गौरतलब है कि उपरोक्त ज्ञापन में व्यापारी संगठनों के पदाधिकारियों ने आगामी 1 से 6 मार्च तक सख्त लॉकडाउन शुरू करने की पहल को गैर जरूरी करार देते हुए इसके लिए अन्य विकल्प तलाशने की विनती की है। देखना होगा कि व्यापारी संगठन की इस ज्ञापन को लेकर प्रशासन क्या रुख अपनाता है। BCN न्यूज के लिए दिग्रस से जुबेर खान की रिपोर्ट।